श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, या आप भी किसी चीज को रख करके भूल जाते हैं, आपको कई बातें याद ही नहीं रहती है, तो उनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया यह उपाय है, और यह पूर्णिमा के दिन ही आपको करना है। साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, और किसी भी पूर्णिमा को एक ही बार यह उपाय करना है आपको, और आप देखते ही देखते आपकी याददाश्त तेज होने लगेगी, बच्चा पढ़ाई में अव्वल आने लगेगा। इस बात का आप यकीन कीजिए, ये पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया उपाय है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए जानते हैं यह उपाय कैसे करना है और कब करना है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन आपको किसी भी देसी गाय का दूध लेना है, और दूध भी आपको लेना है, गाय के 4 थन होते हैं, तो आगे वाले 2 थनों से आपको दूध निकलवाना है। यदि आपके घर के आसपास गाय का दूध मिलता है तो वहाँ चले जाएं, सामने बैठ करके उस दूध से निकलवाएं, और आपको कितना भी दूध मिल जाए, 1 कटोरी 2-4 चम्मच दूध भी मिल जाए तो वो बहुत ही काफ़ी है। आप उस दूध को ले आएँ, और रात्रि 12 बजे आपको यह उपाय करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण कलाओं में परिवर्तित होता है, यानी चांद पूरा गोल निकलता है, और पूर्णिमा की रात्रि को ही ये उपाय करना है। आपको उस दूध की खीर बना लेनी है, या फिर उस दूध से आप शक्कर मिलाकर या कुछ मीठा मिलाकर उसमें मीठा कर लें उस दूध को, और उस दूध को आप रात्रि 12 बजे दोनों हाथों से लेकर के आप एक कटोरी में रख लें, दोनों हाथों में रख करके चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ने दें। 12 बजे रात को यह उपाय करना है। आप थोड़ी देर बाद उस दूध को अपने बच्चे को पिला दें, या जो भी व्यक्ति याददाश्त में कमजोर है उस व्यक्ति को आप यह दूध पिला दें। बस आपको यह उपाय करना है, और इस उपाय को करने के लिए सिर्फ एक ही पूर्णिमा काफ़ी है। एक पूर्णिमा को ही यह उपाय कर लिया जाएगा तो आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी, आपको कभी अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं रहेगी कि वे कुछ पढ़ाई में कमजोर हैं, या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं रह पा रहा है, तो इस बात से चिंता आपकी हट जाएगी। आप अपने ऊपर भी यह उपाय कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी उपाय कर सकते हैं, तो यह जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।